ये हेडलाइन पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, बीजेपी की सख्त हजीमत। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, यानी तारीखी फैसला, ऐतिहासिक निर्णय, बीजेपी की सख्त हजीमत। हजीमत यानी हार। कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर करार दिया, बीजेपी उम्मीदवार की जीत का फैसला गैर कानूनी करार देकर कल अदम किया यानी रद्द किया। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह की फिर सख्त सरजनिश। सख्त सरजनिश यानी सख्त कड़ी निंदा। जाबते फौजदारी 340 के तहत कार्रवाई शुरू। इंसाफ के तकाजे को पूरा करने के लिए खुसूसी अख्तियारात का इस्तेमाल। सियासी पार्टियों को तोड़ने और लीडरों की खरीदो फरोख्त करने वाली बीजेपी को शदीद पशेमानी। पशेमानी यानी शर्मिंदगी, पशेमानी का सामना। फिर से पढ़ता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, बीजेपी की सख्त हजीमत, कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर करार दिया, बीजेपी उम्मीदवार की जीत का फैसला गैर कानूनी करार देकर कल अदम किया। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह की फिर सख्त सरजनिश। जाबते फौजदारी 340 के तहत कार्रवाई शुरू। इंसाफ के तकाजे को पूरा करने के लिए खुसूसी अख्तियारात का इस्तेमाल। सियासी पार्टियों को तोड़ने और लीडरों की खरीदो फरोख्त करने वाली बीजेपी को शदीद पशेमानी का सामना। अब भाई और आगे पढ़ते हैं, नई दिल्ली, अहमदुल्ला सिद्दीकी। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जमहूरियत के कत्ल की कोशिशों को नाकाम बनाते हुए तारीखी फैसले में बीजेपी उम्मीदवार की जीत को गैर कानूनी करार देते हुए कल अदम कर दिया। इसके साथ ही चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने आईन के आर्टिकल 142 के तहत खुसूसी अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मुंतखब मेयर करार दिया। वाजह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बीजेपी को सख्त हजीमत का सामना करने के साथ सियासी पार्टियों को तोड़ने और लीडरों की खरीदो फरोख्त करने के मामले पर भी उसे शदीद पशेमानी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ काउंसलरों की खरीदो फरोख्त पर तश्वीश का इजहार करते हुए तश्वीश का इजहार करते हुए सॉलिसिटर जनरल के ज़रिए मामले की समाअत किसी और दिन करने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया था।